गुड अ बैड गर्ल के अंदर वैभवराज गुप्ता जी हैं ये बताएं कि भाई ये बैड गर्ल में गुड बॉय क्या कर रहा है गुड बॉय तो नहीं हूँ मैं गुड बैड गर्ल के बीच में जो छोटा सा स्पेस है वहाँ पे साहिल मिस्त्री आता है सो आई एम लाइक रियली एक्साइटेड लेट्स सी क्या मैं तो डरा हुआ भी हूँ कि आफ्टर अनु मिश्रा साहिल मिस्त्री आ रहे हैं सो so, काफ़ी मेरे लिए चैलेंजिंग था काफ़ी टफ था बट काफ़ी डिफरेंट था कितना कितना डिफरेंट है ये आपके लिए बहुत डिफरेंट है यार आई एम बिन लुकिंग फॉर कैरेक्टर अर्बन कैरेक्टर एंड मुझे मिल नहीं रहा था बहुत सालों से मैं लगा हुआ था कि यार कब तक वहाँ यूपी 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 सो आई वॉज लाइक यार कोई तो हो जो देखे क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जो यहाँ पे आप डिफरेंट लेंसेस से लोग देख पाते हैं आपको और अनु मिश्रा काफ़ी वी लोगों पर है तो मेरे लिए वैसा था कि यार मुझे सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं करने इवन इफ आई हैव टू वेट फॉर अ यूर आई आई वाज रेडी फॉर इट एंड आई वेटेड फॉर इट सो इट केम फॉर्चुनेटली एंड आई सेड येस टू दिस आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड इट वाज इट इज चैलेंजिंग बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अर्बन कैरेक्टर एंड विद इंग्लिश मेरी इंग्लिश में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम था तो इस uh, ये शूट के दौरान थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी, भी बिल्ड हुआ कि यार नहीं यार आप, आप में है वो आप कर सकते हो सो टीम का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है डायरेक्टर से लेके पूरी क्रिएटिव टीम चैताली विकास सर द होल गुड बैट की जितनी भी टीम है लाइक वो एक्टर सब ने बहुत सपोर्ट किया और राइट है साहिल का क्या क्या किरदार है साहिल का साहिल एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेरी लाइफ से बहुत मिलता जुलता है बहुत सारी चीज़ें है, सिमिलर हैं जैसे कि एक ही इज लाइक ही इज़ ट्राइंग टू प्रूव टू टू हिज पीपल दैट ही इज़ लाइक ही इज़ द बॉस और उसमें है वो बात और मेरे साथ भी ये था एक बहुत लंबे दौरान तक ये रहा कि मुझे भी अपने घर वालों को प्रूफ करना था बिकॉज आई केम फ्रॉम सीतापुर टू बॉम्बे सो एक बहुत बहुत सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हो रही थी और दूसरा ये, ये है कि कंपेटिटिव बहुत है और वो भी वो मैं भी था एक टाइम पे कि मुझे बड़ा और मेरा कंपटीशन मेरे से इसका वैसा नहीं है इज़ लाइक like, मुझे दिखाना है मुझे ये करके वो करना है प्लस ही इज़ वेरी ही इज़ लाइक वलनरेबल सो द वलरेबिलिटी वाला जो पार्ट है ना वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है किसी भी कैरेक्टर में तो so, इसलिए मैंने आ, इस चीज़ के लिए बोला कि यार ये तो करना पड़ेगा एंड देन इज़ अ बैड एस सो विच आई वॉन्ट टू प्ले आफ्टर अनू मिश्रा और जो भी मैंने करता आया हूँ वेरी डिफरेंट और माई और जो भी वो है so, मैं बोला करते हैं देखते हैं मैंने प्रोमो में देखा प्रोमो में जो लड़के इतने मतलब भले खुले आम हम कहते हैं ना झूठ बोल रही है भले ही वो अच्छे के लिए बोल रहे बट खुले आम बोरे तो उस कैरेक्टर से क्या है आपका यार वो तो शो देखने पर मैं बता पाऊँगा लेकिन उस कैरेक्टर की वजह से ही साहिल मिस्त्री हैं और साहिल मिस्त्री हैं इसलिए वो कैरेक्टर भी है सो so बहुत ही इंपॉर्टेंट इन दोनों का रिलेशन है uh, जो भी जो इस शो में आपको देखने को मिलेगा जो कि चौदह तारीख को रिलीज़ हो रहा है उसके आगे तो मैं क्या ही बोलूँ देखिए वो तकरार देखी है वहाँ पर प्रोमो में बैंटर तो आपको देखी है बैंटर इज़ लाइक इट्स अ क्रेजी बैंटर बिटवीन साहिल एंड माया सो लेट्स सी लेट्स वेट फॉर फोर्टीन अगर मैं आपके झूठ बोला है क्या देखो झूठ तो सब बोलते हैं लेकिन मेरा बस यही मानना है कि कोई ऐसा भी झूठ मत बोलो जिससे किसी का नुकसान हो झूठ तो यार हम सब बोलते हैं बट मैं मैं सच ना मैं बहुत मैं बहुत कम झूठ बोल पाता हूँ क्योंकि मेरी नीयत में नहीं है यार वो तो अगर मैं झूठ बोलता भी हूँ किसी से तो मैं ओवर थिंक भी बहुत करता हूँ तो जब रात में सोने जाओ ना तो मेरे दिमाग में चलता है कि शिट मैंने झूठ बोला था अब इसको कैसे मैं सही करूँ तो आई हैव अ रूटीन ऑफ राइटिंग माई मॉर्निंग पेजेस सो आई जस्ट राइट देयर कि ये ये, ये चीज़ें हो गई हैं बट ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कर मुझसे नहीं होता उसके लिए ना मेरे पास टीम है तो मैं बोलता हूँ यार जहाँ पे प्रॉब्लम फंसता हूँ जहाँ पे मैं उनके पास जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि यार आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करें तो बाकी तो कुछ नहीं है बाकी तो झूठ क्या ही बोलेंगे यार सब सही है सब अच्छा है सबको सब पता है क्लियर है एक फटाफट गेम खेलते हैं वे वो आपके साथ आ, कभी मम्मी पापा के पॉकेट से पैसे चुराए बहुत बहुत पैसे चुराए और बहुत आइसक्रीम खाई है पैसे चुरा के बहुत शॉपिंग की है है पकड़े गए पकड़ा नहीं उनको आई उनको आई थिंक सी पेरेंट्स को पता रहता है यार आपके गुल्लक के पैसे कहाँ जा रहे हैं आपकी जेब से चिल्लर कहाँ गायब हो रहे हैं सो so, मेरे ख्याल से मेरे पेरेंट्स को स्पेशली मेरे ग्रैंड की जेब से मैंने बहुत पैसा चुराया और वो चुरा के मेरे दो ही शौक़ थे बचपन में मुझे याद है गाँव में हामे जब बेनीगंज में एक तो मटका गुल्फी खाने का शौक था और बताशे पानीपुरी ये दो चीज़ें और मुझे समोसे छोले मतलब मुझे खाने का बहुत शौक था और खाने के लिए चाहिए थे पैसे बाहर का खाना तो छुप छुप के पैसे छुपा चुरा चुरा के यही सब करता रहता था पाँच पाँच आइसक्रीम खा ली दो दो रुपए की आती थी नहीं तब तो हाँ यार ये सब चीज़ें झूठ ऐसा बोला पकड़े हो जगह पर हाँ एक बार हुआ है एक बार एक बार एक्चुअली हुआ है मेरे एक चाचा हुआ करते थे हैं अभी भी उनकी ना मिठाई की दुकान थी और मुझे ना उनकी दुकान में गल्ले पर बैठने का बहुत शौक होता था उस बचपन का तो उन्होंने एक बार अलाउ कर दिया कि बैठो देखो दुकान कैसे चलानी है तब शायद दुकानदार बनने का शौक़ होगा मुझे एक्टिंग तो नहीं एक्टर वैक्टर का तो कोई वो पता था पता था नहीं तो मैं बैठा और उनके और वो रुपये दिखते थे मुझे वो ऐसे बोरा उठाते थे, थे तो नीचे रुपए चिल्लर पड़े हुए पचास सौ तो वो जैसे ही हटके गए थोड़ा आगे मैंने ऐसे निकाला और दस रुपये की नोट ऐसे रख ली और उन्होंने देख लिया और मुझे लगा नहीं देखा होगा कट तो यार उनकी गल्ला भी बैठे हुए तो उनकी नज़रें तो रहेंगी शाम को ही इज़ लाइक ब्रो कम यर वट डिड यू डू सर नथिंग मैंने झूठ अच्छे से बोला मैंने एक्सेप्ट नहीं किया पर मुझे ये पता चला पोपट हो चुका है कि मैंने वो दस रुपये नहीं रखे खाया <laughs> आ, कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल टीचर पर क्रश आया हो कौन से थी? यार मैं एक समर कैंप में जाया करता था सीतापुर में और एक मैडम हुआ करती थी और वो बहुत ब्यूटीफुल थी तो एक बार मैं बड़ा ही प्यार से छोटा सा था यार मैं उनके लिए एक वो चाबी का गुच्छा आता था, था ना जिस पर दिल बना होता था आई लव यू लिखा होता था वो लेके मैं चुपचाप उनके पास गया मैंने बोला मैम मुझे बहुत अच्छे लगते हो तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है बहुत छोटी है है निकल यहाँ से <laughs> बड़े प्यार से रिजेक्ट किया बहुत ने? प्यार से रिजेक्ट बहुत रिजेक्शन तो बहुत हुए है लाइफ में अच्छा है रिजेक्शन ही आपको बनाता है कभी ऐसे हुआ कि गलती से या मजबूरी में लेडीज ट्रोड्यूस किया गौतम यार नहीं बट मैं बहुत कॉन्शियसली ध्यान रखता हूँ क्योंकि क्या होता है हाँ एक चीज़ बताता हूँ जब मैं गांव से आया था ना मुझे यार ये सब चीज़ों का पता नहीं था लिफ्ट में कैसे चढ़ ये सब नहीं किया था मैंने बिल्कुल बेसिक एक कल्चरल शौक था मेरे लिए तो जिस स्कूल कॉलेज में मैं पढ़ता था ना वहाँ ऐसा वॉशरूम के बाहर ना पाउडर रूम और कुछ और लिखा हुआ था और मैंने कभी देखा ही नहीं है ये सब मेरे को पता भी नहीं था पाउडर रूम क्या होता है और लड़कों का कुछ और बोलते हैं कोई और रूम बोलते हैं तो वहां मैं बहुत तो मेरे लिए वो एक पहला झटका था कि भाई कभी कभी किंग और क्वीन की लगा देते हैं फोटो तो मैं अभी भी मेरे साथ ये होता है मैं दो बार देखता हूँ कि बहुत स्टाइल आ गई है ना बहुत अलग अलग स्टाइल से वो लोग हाँ और कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई वॉशरूम के बाहर वो उखड़ा हुआ होता है कि आधा है <laughs> तो अभी किधर जाने का भाई तो वो सब चल जाता होता तो है छोटी छोटी लाइफ में ये ना मजाक मस्ते खुद से भगवान करते रहते हैं तो और हाँ मैं थोड़ा कॉन्शियस रहता हूँ कि यार ये सब चीज़ें गलती ना हो ये बड़ी गलतियाँ हैं जिसमें आप बहुत लंबा फंस सकते हो मैं नहीं चाहता कि यार कि मुझे लेडीज टॉयलेट में पकड़े और फिर पीटे <laughs> कभी ऐसा हो कि बिना धुले हुए कपड़े पहन के नेक्स्ट डे भी चले गए शूट पर या कहीं पर हाँ यार आज ही हुआ रखी हुई टी शर्ट थी कल भी पहनी थी पहन के आ गया आराम से क्या बुरा है यार अपना ना मेरे को इतना लोड नहीं होता

अब आप सोच लो क्या हाल होता तो है धमाका बट वो सब एक्सेप्ट भी कर लेते कि क्या चल ठीक है मेरे, मेरा है <laughs> मेरा है मतलब बड़े छोटे छोटे मजे हैं यार ये सब चलते रहते हैं ओ, क्या कहना चाहेंगे सीरीज के बारे में यार शो बहुत डिफरेंट है शो की राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप जब ये शो देखोगे ना तो आपको एक आई एम श्योर कि आपको ये लगेगा कि यार कुछ तो डिफरेंट देख रहे हैं हम बस यार यही है कि मैं मैं पता है जैसे ऑडियंस एक्साइटेड होगी देखने के लिए वैसे मैं भी एक्साइटेड हूँ अपने आप को और ये शो देखने के लिए खुद एक्साइटेड हूँ क्योंकि बिकॉज मैंने आपको अभी तक मैंने वैभव को मैंने अनु का जो किरदार है मेरे दिमाग से भी नहीं उतरा है बट मेरे को एक साहिल मिस्त्री किरदार देखना है कि ये कैसा होगा साहिल मिस्त्री किरदार खुद देखना है पता है मैंने अनु, अनु मिश्रा किया वो लोगों ने बहुत पसंद किया फिर मैंने माई किया शंकर वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया वो तब भी मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो भी बहुत डिफरेंट तो मेरा ना एज़ एन एक्टर अप्रोच यार यही है और मेरी वो है कि यार मैं ना अलग अलग करना चाहता हूँ और दिल से करना चाहता हूँ और ऐसा लगे कि हाँ एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से थोड़ा अलग हो थोड़ा डिफरेंट हो तो मुझे खुद मज़ा आता है अदरवाइज़ क्या है ना यार कि एक जैसा ही करते रहो तो कोई मज़ा नहीं है उस चीज़ का और सेलेक्टिव काम करो कम काम करो और अच्छा अच्छा करके जाओ इन्जॉय करो अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज एन एक्टर कुछ सीखने को मिले काम करते वक्त तो मेरा यही फोकस रहता है यार फुल ऑन कि सीखते रहो अच्छा काम करते रहो ज़्यादा भागो नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच वैभव जी ये थे वैभव जी जो अन्नू के जो किरदार से और भी किरदार लेकिन जो अन्नू के जो छापे है उनसे बहुत ही अलग है किरदार है